एंट्स यानी चींटियाँ। आइए जानते हैं चींटियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। क्या आपको मालूम है बरसात के दिनों में अक्सर देखी जाने वाली ये छोटी छोटी चींटियाँ जो लाइन बनाकर कहीं जा रही होती हैं, उनकी पीठ पर क्या होता है? भोजन या फिर अंडे। जी हाँ, चींटियाँ अपने अंडे लेकर बरसात के दिनों में अपनी कॉलोनी शिफ्ट करती हैं। ऊंचाई से गिरकर फिर से ऊपर चढ़ना, यही इनकी खासियत है। तभी तो नन्ही सी जान होने के बावजूद इंसान किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए सबसे पहले चींटी का ही उदाहरण देता है, क्योंकि कीटों की दुनिया में चींटियों की मेहनत की गजब क्षमता है। हम इंसानों की तरह चींटियाँ भी मिलनसार तथा सामाजिक होती हैं। आपस में मिलजुल कर रहना, भोजन करना, खाना पीना, अपने राज्य तक उन्हें ले जाना, ये सब काम मिलकर संपूर्ण करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने राज्य क्यों कहा? क्या वाकई में चींटियों का भी कोई राज्य होता है? इसका जवाब है हाँ, जी बिल्कुल, चींटियों का भी एक राज्य होता है, जिसमें वे हम इंसानों के जैसे ही छोटी छोटी कॉलोनियों बनाकर रहती हैं। इन कॉलोनियों में बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं जिसमें सिपाही मौजूद रहते हैं। सिपाही, मजदूर और अंडा देने वाली रानी चींटियाँ शामिल होती हैं। चींटियाँ वैसे तो आकार में छोटी सी ही होती हैं, पर इनकी प्रजातियों पर नज़र डाली जाए तो कुछ थोड़ी बड़ी या सामान्य में एक दो एकदम बारीक होती हैं। जान लें कि चींटी क्या कर सकती है। एक बार किसी व्यक्ति को काटते तो निशान बनाकर ही छोड़ती हैं। यदि एक साथ कई चींटियाँ मिलकर किसी व्यक्ति को काट ले तो वह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें, चींटियों में भी जहर पाया जाता है। अगर एक चींटी या दो चींटी के काटने से कुछ लाल लाल निशान पड़ा दिखाई दे तो समझिए चींटियों ने ही काटा है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा चींटियाँ एक साथ काट ले तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इस दुनिया में अब तक लगभग 12,000 चींटियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि चींटियाँ शरीर की तुलना में 50 गुना से भी ज़्यादा भार उठा सकती हैं। काम का बंटवारा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रानी चींटी बाकी चींटियों की तुलना में आकार में सबसे बड़ी होती है और केवल रानी चींटियों के पंख होते हैं। इसका काम लाखों हजारों अंडे देना होता है। नर चींटे का शरीर आकार में रानी चींटी से बहुत ही छोटा होता है। यह रानी चींटी को गर्भवती करने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। बाकी चींटियों का काम तो अंडे तथा बच्चों की देखभाल करना होता है, उनके लिए खाना बनाना और छोटी छोटी बस्तियां बनाना होता है। इसके अलावा सिपाही चींटियों का काम घर की सुरक्षा करना होता है। चींटियों की उम्र। रानी चींटी की उम्र 20 साल के लगभग होती है, जबकि अन्य चींटियाँ 45 से 60 दिन तक ही जीवित रहती हैं। लेकिन अगर रानी चींटी मर जाए तो कुछ ही दिनों में चींटियों की छोटी छोटी बस्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका। अगर चींटियों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो तो वह एक विशेष गंध छोड़ती हैं। जब चींटियों भोजन की तलाश में निकलती हैं तो आगे बढ़ने वाली चींटी, जिसे भोजन मिल जाता है, वह वापस आते आते अपनी कॉलोनी तक फेरोमोन नाम की एक लकीर छोड़ती हुई जाती है, जिसकी गंध से बाकी चींटियाँ खाने की महक करती करती वहीं तक पहुँच जाती हैं। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो ये उस गंध को छोड़ना बंद कर देती है, जिससे बाकी चींटियों को पता चल जाता है कि अब खाना ख़त्म हो चुका है। और एक बात, जब पंक्ति में जाते हुए किसी चींटी को खतरा महसूस होता है तो वह खास तरह का केमिकल अलार्म छोड़ती है, जिसे सुनकर बाकी चींटियाँ वहाँ उस तरफ जाना बंद कर देती हैं। Hope you liked the video. Please like and subscribe to the channel for more videos.